आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ प्राची पारसर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों। देवरी अंतर्गत ग्राम महाराजपुर थाना प्रभारी सतेंद्र भदौरिया ने बताया कि दिनांक 8 अक्टूबर को दोपहर करीब 12:30 बजे महाराज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात व्यक्ति ग्राम बारहा के तालाब में डूब गया है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थानीय गोताखोरों की मदद से अज्ञात मृतक के शव को तालाब के पानी से बाहर निकाला गया। ग्रामीणों द्वारा मृतक की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर मृतक को देवरी अस्पताल में सुरक्षित रखा गया है, जिसकी सूचना संपूर्ण जिले में प्रसारित की गई है। मृतक के परिजनों की जानकारी मिलने पर शव पंचनामा कार्यवाही की जाएगी एवं अग्रिम जांच पुलिस द्वारा की जाएगी। महाराजपुर से हरिशंकर साहू की रिपोर्ट। क्या जानकारी? आज दोपहर में करीब 12:30 बजे पुलिस को ग्रामीणों द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बारह के तालाब में एक अज्ञात व्यक्ति डूब चुका है। तो पुलिस मौके पर पहुंची, जाके गोताखोरों की मदद से मृतक को तालाब के बाहर निकाला गया। तो मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। मृतक करीब 25 से 30 साल के बीच का एक युवक है। उसकी फ़ोटो शेयर करी है पर अभी तक उसके परिजनों की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। तो मृतक की बॉडी को देवरी अस्पताल में रखाया गया है और ये सूचना पूरे ज़िले में प्रसारित की गई है। मृतक के परिजनों को सूचना प्राप्त होती है तो उसका पंचनामा कार्रवाई कर अग्रिम जांच कार्रवाई की जाएगी।